साथियों नमस्कार। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के अंदर, और यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने अपने धान के खेत में दूसरे साल भूअस्त्र का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस साल का परिणाम क्या है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे किसान भाई, आपका नाम बताइए सर। नमस्कार, मेरा नाम शिवराज यादव है, रहने के लिए आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ग्राम टिकरा हमारा है और हम वैसे माई लाइफ स्टाइल में डिस्ट्रीब्यूटर हैं। माई लाइफ स्टाइल का जो भी इंडिया एग्रो का प्रोडक्ट है हम यूज करते हैं। अगले साल भी अपने खेत में हम भूअस्त्र का प्रयोग किए थे और रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। इस साल भी किए हैं और कुछ भी उसके बगल में भी कुछ खेत है जिसमें भूअस्त्र का प्रयोग हम नहीं किए हैं, और दिखा देना चाहते हैं कि भूअस्त्र का जो रिजल्ट है और जिसमें भूअस्त्र नहीं डाले हैं उसमें कितना अंतर है। शिवराज जी, खाली आप बताइए कि कैसे आप नापते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है, क्या फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि फसल तो अभी पूरी तरह से खड़ी नहीं है, तो कैसे नापा जाता है कि फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। इसको नापने के लिए हम जैसे भूअस्त्र जब डाले तो इसमें भूअस्त्र डालने के बाद जो कल्ला है खेत का वो अधिक है, इसमें दाना जो है वो मजबूत है, बालियाँ भी बड़ी बड़ी लगती हैं। तो इसमें आपने डाला हुआ है? नहीं, इसमें नहीं डाले हैं। तो इसमें कितने कल्ले आए हैं ज़रा दिखाइए जिसमें आपने नहीं डाला है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कल्ले हैं इसमें। मतलब जिसमें आपने नहीं इस्तेमाल किया है, जनरल प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, इसमें कुछ और डाले हैं आप कि नहीं? हाँ, डाई यूरिया डाले हैं। यूरिया डाले हैं तो इसमें 9-10 कल्ले आप दिखा रहे हैं, और इसमें आपने भूअस्त्र डाला है। हाँ, इसमें भूअस्त्र डाला। भूअस्त्र डालने की वजह से कल्लों में क्या फ़र्क पड़ा जरूर दिखाएंगे। इसमें भूअस्त्र डाले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40 कल्ला है। बहुत शानदार। मतलब जिसमें आपने भूअस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल डाई यूरिया डाले हैं, उसमें मात्र 10 कल्ले निकले हैं। बस 10 कल्ले। और जहां पर आपने इंडिया ग्रो को इस्तेमाल किया है उसके अंदर 35-36 कल्ले निकले। हाँ, मतलब 35 से 38 के बीच लगभग 4 गुना आपकी पैदावार बढ़ेगी इससे। हाँ, 4 गुना अधिक, अगले साल भी बढ़ी थी जी। तो इसमें आपने और कुछ डाला है, डाई यूरिया ऐसा कुछ? नहीं, भूअस्त्र केवल डाले हैं। केवल भूअस्त्र? भूअस्त्र केवल। ओके, बाकी और कोई खाद आपने इस्तेमाल नहीं? कोई खाद नहीं डाले हैं। ओके, पिछले साल भी आपने कोई खाद इस्तेमाल नहीं की थी? नहीं नहीं, पिछले साल भी केवल भूअस्त्र। तो शिवराज जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि आपने अपने ही खेत के एक हिस्से में भूअस्त्र डाला और एक हिस्से में डाई यूरिया डाले? दरअसल ये बात थी कि प्रोडक्ट था नहीं उस समय हमारे पास, और ज़रूरत थी क्योंकि पानी हो चुका था, रुपाई करनी थी और मंगवाना था, इसलिए ला नहीं पाए, और इसी से उसको जो है उसी तरह उसकी रुपाई कर दिए। ओके ओके। तो देखिए दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर कि प्रोडक्ट ना होने की वजह से मजबूरी में इन्होंने यूरिया और डाई का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर इनके पास में माल था तो इन्होंने इसमें इंडिया ग्रो भूअस्त्र इस्तेमाल किया है। रिजल्ट आप देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। मज़े की बात यह है कि इस फसल में पैदा होने वाले अनाज को ये बेचें या नहीं बेचें वो बात की बात है, लेकिन इस फसल में पैदा हुए अनाज को वो अपने घर में इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो शिवराज जी, मुझे एक बात बताइए कि आपके परिवारजनों को आप यूरिया वाला अनाज खिलाना पसंद करेंगे या भूअस्त्र वाला अनाज? नहीं, भूअस्त्र वाला खिला रहे हैं, भूअस्त्र वाला खिलाएंगे भी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है, जो भी हमारी DAP और यूरिया आती है उसमें केमिकल है, जो भी फर्टिलाइज़र, और ये जो है प्योर ऑर्गेनिक है, ये पौधों के रस से बना हुआ है जिससे हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी इसको खाने के बाद, इसका अनाज शुद्ध अनाज है इसका। बहुत शानदार सर। तो मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि यदि आप दवाइयों से पैसा बचाना चाहते हैं तो अपने खेत के अंदर भूअस्त्र इंडिया ग्रो को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आप इन केमिकल से छुटकारा नहीं पाएंगे तो जीवन भर ये केमिकल आपके पीछे पड़े रहेंगे।
तो आइए हम लोग मिलकर भूवस्त्र इंडिया ग्रो के साथ में और माई लाइफ के साथ में अपने पूरे भारतवर्ष का विकास करते हैं, शुद्ध उगाएंगे, शुद्ध खाएंगे और शुद्ध ही खिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल।